हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, कल एक कमेंट आया था कि आप मिट्टी मुल्तानी को रोस्ट करो कुकर में, और गाइस मैं कर रही हूँ, कुकर में रोस्ट कर रही हूँ मिट्टी मुल्तानी। ये देखो मेरी मिट्टी मुल्तानी कुकर में रोस्ट होएगी गाइस, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा कलर आया है इसका कुकर में। रोस्ट हो जाएगा गाइस जब दिखाऊंगी कि मैं कुकर में कैसा कलर आया इसका। और गाइस कल तो बहुत बिजी रही थी पूरे दिन, और शाम को भी बहुत मजा आया। इसके पापा ने मुझे सरप्राइज दिए कल, बहुत अच्छा लगा गाइस। और दिन तो वो गुस्से में चले जाते थे, मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ मनाएंगे नहीं, ना चॉकलेट डे, ना हग डे, ना टेडी डे, ना कुछ भी तो नहीं मना रहे थे गाइस, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और मैं डेली मुंह देखती रहती थी कि आज कुछ जरूर बोलेंगे, आज कुछ बोलेंगे, और गाइस कुछ बोले ही नहीं। और एक ही दिन इतने सारे सरप्राइज दे दिए। कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा था गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा मैं खुश हुई थी कल। और गाइस ये देखो, सीटी नहीं लगा रही हूँ वैसे ही, नहीं तो कुकर फटने का भी तो डर रहता है ना। तो रोस्ट हो रही है गैस, और ये देखो मैं आपको, गैस जल रही है, दिखा दी गैस जलते, और रोस्ट हो रही है गैस। और आप लोग बताना गाइज, आप लोगों के पति ने क्या दिए, आपने मुझे कमेंट में बताया नहीं। एक ने तो बताया था कि उन्होंने बोला था कि, बोली थी कोई दीदी कि सोने का बोली थी रिंग दिए हैं, कि पता नहीं कुछ ऐसे कुछ बोली थी। तो गाइज हमें तो सोने वोने का तो कुछ भी नहीं मिला, मगर हाँ बहुत सारे चॉकलेट, टैडी चॉकलेट बहुत सारे लाए, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। उनको पता है ना कि बच्चे जान खाएंगे, तो अच्छा लगा गाइस। पता क्या, छोटी छोटी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ शेयर करा करो, अगर भैया लोग हमारी बात सुन रहे हो तो। क्योंकि वाइफ पता क्या, वो उनको जरूरी नहीं है कि आप हीरो का हार ला के दोगे जब ही खुश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो छोटी छोटी जो त्यौहार है, जो कोई भी छोटा छोटा कोई भी चीज़ होता है, अपनी बीवी को खुश रखो, तो देखो उसी में सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पति मेरे लिए हर चीज़, उनको पता होता है। जैसे शादी का सालगिरह हो गया, जैसे बर्थडे हो गया, जैसे कभी छोटे छोटे चीज, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ अपनी वाइफ के साथ शेयर करा करो। भैया लोग अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, वैसे मेरे पति भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरे पति ज़्यादा करके दूर रहते हैं, और जॉब भी उनका कुछ ऐसे ही है, मगर छोटी छोटी खुशियाँ में वो आ जाते हैं, मुझे सरप्राइज भी दे देते हैं। बेशक एक दिन के लिए आएंगे, पर आते हैं और चले जाते हैं गाइस। और वैसे भी उनको मैं, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो कि आप अपने पति को दिखाओ, पति को दिखाओ गाइस। अपने पति को मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि वो वीडियो मेरे को तुरंत बंद कर देंगे, बनाने देंगे नहीं, और मैं आप लोगों से दूर रह नहीं सकती किसी कीमत पे। मुझे किसी भी हालत में, चाहे मैं अकेली रहूँ, चाहे मैं कैसे भी रहूँ, मैं एक वीडियो 4 शॉर्ट 5 शॉर्ट जरूर मैं डेली बनाती हूँ, डेली डालती हूँ। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो गाइज, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे हौसला देते हैं। और गाइज मैं क्या बोलूँ, आप लोग कहोगे कि ये औरत डेली पकाती है, डेली बोर करती है। गाइज आप बता देना मैं बोर करती हूँ, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है गाइज। बाकी होली भी आने वाली है गाइज, और मैं हर होली पे जाती हूँ मोहन बाबा, ये मिलकपुर जाती हूँ गाइज, दोज वाले दिन। तो अब इस साल भी जाऊँगी, आप लोग भी चलना। अगर आप लोग नहीं भी जाओगे गाइज, तो मैं तो वीडियो ब्लॉग बनाऊँगी, डालूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। तो गाइज बहुत एक्साइटेड हो रखी, होली भी आ रहा, सारा त्यौहार भी वैसे भी चला गया। और गाइज कल मोनू को बहुत डांटी भी थी, बताई भी थी आपको, आ नहीं रहा था ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने कसम दे के अपना कसम दे के बच्चों को मजबूर कर देती हूँ हर जगह आने के लिए। तो गाइज पता क्या, एक माँ बाप चाहते कि उसके बच्चे सही से पढ़े लिखे, अब वो अपनी लाइफ सही करेगा गाइज, तभी तो कल को कोई भी अगर बेटी भी आई तो हमारे घर में खुश रहेगी, है ना।
राजीव मैं एक मिनट में आई, एक मिनट में। आ गई। और गाइस अभी मेरे को मूली का भुजिया टाइप का बनाना है गाइस, तो वो भी अभी बनाऊंगी। ये देखो, और यार ये तो गाइस जल गया, ये देख लो गाइस, ये तो जलने की महक आ रही है। जला तो खैर नहीं, मगर अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया गाइस, ये देखो है ना। ओहो बहुत ज्यादा ही गर्म है, ये देखो रोस्ट हो गया ना अच्छी तरीके से। और गाइस आप लोग भी मना करते हो मगर मैं नहीं मान पाती, सॉरी, क्योंकि गाइस पता क्या, मुझे इसके बगैर आ ही नहीं जाता गाइस, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये देखो रोस्ट हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया रोस्ट। जब मेरे पति मुझसे ना पहली बार जब एक बच्चे हुए थे, जब बच्चे नहीं भी हुए थे ना, तो बहुत प्यार करते थे, हर चीज याद रखते थे। मगर अब तो अगर बोल भी दूंगी ना गाय कि आपको पता है आज कौन सा दिन, तो कहेगा मुझे नहीं पता कौन सा दिन है। कल गाय वैलेंटाइन डे थे और मैंने उनको बोली, मैं सोची कि शायद उनको पता होगा मेरे लिए कुछ लाएंगे, खैर मुझे नहीं पता, मेरे को काम करने दे, ऐसे बोल रहे थे गाइस। सॉरी फोन आ रहा है, एक मिनट में मैं आई। आरती बना रही हूँ बेटा, एक मिनट में आई, करती दोबारा कॉल तुम्हें। ठीक, किसने? हाँ किसने बोला आपसे? ठीक है मैं देखती हूँ, उसको बताऊंगी, कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ वीडियो, अभी बाद में करती हूँ इससे बात। ठीक, आरती थी गाइस, सुबह उठती नहीं है, कस्टमर चले जाते हैं, सुबह सुबह जाना चाहिए ना। अब पार्लर पे लोग ऐसे कहने लगे गाइस कि आप ना 8 बजे ही आ जाया करो, जो ड्यूटी वाली लेडी जो होती है वो 8 बजे ही बुलाने लगी है पार्लर पे, कि ड्यूटी वाली जो निकलती है उनको सुबह सुबह ही आईब्रो बनाने होते हैं। तो गाइस वो सुबह सुबह ही कहती कि तुम आरती सुबह सुबह आ जाया करो, अब कुछ तो गाइस वैसे उधार ले जाएगी, पैसे देने का नाम नहीं लेती है, कितनी गलत बात है ना। अब देखो हम लोग भी किराए पे रेंट पे है पार्लर, सामान भी लाना होता है, किराया भी देना होता है मकान मालिक को, तो हम कहाँ से करेंगे आप बताओ। और कुछ ऐसी है लेडीज ले जाती है दोबारा आई ही नहीं है, इतना दिमाग खराब होता है क्या बताऊं आप लोगों को। और बेटी से मना करती कि बेटा उधार मत दिया करो, चाहे बेशक रहन दो सामान ना बिके, मगर उधार नहीं देना, खुद ही का पैसा खुद ही का सामान। और मांगते तो ऐसे कहेंगे आज नहीं है कल नहीं है, तुम्हें तो सबर नहीं है, तुम्हें तो फलाना ढिकाना, ऐसे हमें उल्टा और सुनने को मिलता है। आरती को मना करती मगर मानती नहीं है ना आरती। ये देखो भाई चल भी गया यार, आरती चिल्लाई कहेगी मम्मी मेरे कुकर जला दिया आपने, देख लो गाइस कुकर भी जल गई ना। खुशबू कितनी अच्छी आई, मगर बहुत गर्म है गाइस, मेरे मुंह ना जल जाए कहीं। ओहो ये देखो गाइस रोस्ट एकदम, ये देखो दिखाऊंगी मैं आपको, एकदम रोस्ट हो गया बिल्कुल। और इसमें से ना पूरे दिन थोड़ा 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 करके खाऊंगी, इतना नहीं खाऊंगी, आप लोगों के भी तो बात मानना है ना मुझे। जैसे आप लोग कहते हैं कि दीदी मत खाया करो, मगर बाबू मन नहीं मानता है, ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। और एक तिरफला
त्रिफला दवाई आती है गैस, मैं उसके मैं वो भी ले रही हूँ, ठीक है ना। और पानी दिन में बहुत पीती हूँ, इसको खाने के बाद पानी बहुत पीती हूँ गैस। अभी इतनी जल्दी मैं आप लोगों को छोड़ कर नहीं जाऊँगी, टेंशन मत लो आप, मरते दम तक मैं साथ निभाने वाली हूँ। क्योंकि गैस आप लोग मुझे इतना हौसला दे रहे हो ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के वजह से मैं कुछ कर पाऊँ यूट्यूब पे। खास करके मैं अपनी बेटियों के लिए गैस कुछ करना चाह रही हूँ। घर तो कोई बात नहीं, मगर मेरी बेटी सब सेटल हो जाए आप लोगों के सहारे, मैं बस गंगा नहा लूँगी गैस। मेरी तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा हाथ मत छोड़ना और आप लोग मुझे हौसला दो। और बोर कर रही हूँ तो बता देना, आदत है मेरी बोर करने की, बहुत बताऊर हूँ मैं, बहुत बात करती हूँ। दिन भर में मेरी बस न चले तो मैं कितनी वीडियो डाल दूँ, पर गैस जल्दी वीडियो जाती भी तो नहीं है, अपलोड भी तो नहीं होता है। डेली इतनी नेट खर्चा होता है, डेली आरती बोलती बेटा बस 15 रुपए की रिचार्ज कर दे, 35 रुपए की रिचार्ज कर दे, तब जाके बेटी करती है, तब जाके मैं वीडियो डालती हूँ गाइस। बस क्या बताऊँ, कम कहना ज़्यादा समझना, पर फिर भी हैप्पी रहना, खुश रहना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाबा मेरे साथ हैं। जब जो चीज़ होगा किस्मत में लिखा हुआ गाइस, वो हो गई है ना। तो मैं आपको मिट्टी मुल्तानी रोस्ट करा हुआ आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा आगे ला के, ठीक है गाइज। और मैं छोटी सी स्टैंड लेके आई हूँ, छोटा सा, जो कि मैं वीडियो कहीं भी रख के बना सकती हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये वाला स्टैंड पता को किसने ला के दिया मुझे, मेरा बेटा ने, मेरा मोनू बेटा ने दिया। कह रहा था मम्मी आप कहीं भी रख देते हो फोन, फोन गिर जाता है कभी कुछ, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो मेरे बेटा ने छोटा सा स्टैंड दिया। मैं आपको स्टैंड दिखा रही हूँ, ये देखो टन टना, इस पे रख के मैं वीडियो बनाती हूँ। और कल ही ला के दिया है मेरा बेटा, ये देखो अच्छा है ना, इस पे कहीं भी रख के बना सकते हैं। ये देखो गाइस, सारी रोस्ट हो गया ना, कुकर भी जला दूंगा ना, रात को चिल्लाई कह रही मम्मी कुकर भी जला दी हो। और एक दिन गैस पतीला भी जल गया था दूध का, पता है शॉर्ट वीडियो बना रही थी मैं जाके, और मेरे को इतना भी याद नहीं गैस, और मैंने दूध चढ़ा रखी थी, सारा पतीला एकदम जल गया। पतीला दिखाऊंगा, अभी तक आरती पूजा ने धोई भी नहीं है पतीला को, और गैस ये पतीला मैं ही धोऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती गैस। ये देखो दूध का पतीला मेरे से ही जल गया गैस, आप लोगों की वजह से जला है। तो वीडियो बना रही थी, मुझे याद ही नहीं था, पता नहीं कौन सा दुनिया में खो गई थी मैं, क्या करती। और आपको पता नहीं जब आप लोगों से बातें करती हूँ तो मैं पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ, मेरा दिमाग जो है ना गाइस सटक जाती है, और फिर कुछ याद ही नहीं रहता। और पतीला जल गया, 1.5 किलो दूध भी था गाइस, साड़ी जल गई, साड़ी एकदम बढ़िया वाली। जब उसके बाद किचन में जब धुआं धुआं हुआ गाइस, तो मैं सोची कि कहां तार में आग लग गई भाई। और किचन में आके देखी, मेरा गुन्नू भी नहीं बताया, मोनू भी उस कमरे में ही पबजी खेल रहा था, उसने भी नहीं बताया गाइस। और मैं, मेरा तो दिमाग खराब, क्योंकि मैंने चाय बनाने के लिए दूध लाई थी, ना चाय पी ना कुछ, और गाइस पतीला जल गया। और ये दिखाई दी मैंने पतीला, अब इस पतीले को ये बताना कि मैं कैसे साफ करूँ, ये जला हुआ पतीला किस चीज से साफ करूँ, आप बताना कमेंट में। और खैर चलते हैं मिट्टी मुल्तानी की तरफ, एक ही फोकस मिट्टी मुल्तानी। चलो छोटा सा स्टैंड भी ले ही लेती हूँ गाइस, जो मैं आपको घर में दिखाती हूँ। मेरी मिट्टी मुल्तानी गाइस, ये देखो इतना अच्छा रोस्ट हुआ है ना, अब बताना मुझे हुआ है नहीं हुआ। ये देखो एकदम जला जला हो गया गाइस, ये देखो सूंघ, खुशबू लेने में भी गाइस इसकी इतनी प्यारी लग रही है पूछो मत, और खाने में तो आपको पता ही कितना मस्त लगेगी गाइस, टूट भी नहीं रहा। सही बोलेगा जी आप लोग, की कुकर में रोस्ट करने से मस्त लगता है खाने में,
और वैसे डस्ट करती हूँ ना यार, तो सारे फैल जाता है बिल्कुल एकदम, पूरा चूल्हा गंदा हो जाता है, इतना फैल जाता है वो। और कुकर में रोस्ट करने के बाद जो हुआ कुकर में ही हुआ। ये देखो सारा जल भी है। कहाँ खा पाऊंगी, देखो क्या जा बताना कि कैसा लगा आपको, और कमेंट करना भर भर के, ठीक है गैस। देखो सही बोले आपने, अब मैं पहले जा रही हूँ कुकर धो दूँ, नहीं तो आरती पता लगेगी, आरती गुस्सा करेगी, कहेगी मम्मी आपने ये भी जला दी है। ये देखो गैस, तो गैस मैं अब वीडियो एंड कर रही हूँ, और पार्लर भी जाना है मुझे आरती के पास, तो एंड कर रही हूँ वीडियो। और मेरी रोस्ट मिट्टी मुल्तानी, आप मुझे बताना कैसा रोस्टेड हुआ है, और भर भर के कमेंट करना है गाइस। और ये पीछे क्या रखा हुआ है, बुन्नू बहुत परेशान कर रहा था गाइस, बाप रे बाप, ये तो उठ भी नहीं रहा मेरे। सही देव गुन्नू परेशान कर रहा था, तो मैं इसको ये उठाई थी मारने के लिए गुस्से में। ठीक है गाइज, वीडियो एंड कर रही हूँ, बाय बाय गाइज, ठीक है, शाम को बनाऊंगी फिर। और अपना ख्याल रखना, बाय।